और लखनऊ से अगली खबर, जहां बीजेपी की महिला कार्यकर्ता भी सुरक्षित नहीं है। बीजेपी की महिला कार्यकर्ता की असली तस्वीरें वायरल हो रही हैं। बीजेपी के पूर्व कार्यकर्ता ने इन तस्वीरों को वायरल किया है और आपको बता दें कि वो इन्हीं तस्वीरों को वायरल करने की धमकी देकर संबंध बनाने का दबाव बना रहा था। तो एक साल से महिला को परेशान कर रहा था। पार्टी हाईकमान से महिला ने कई बार शिकायत भी की, हालांकि अब जाकर कार्रवाई हुई है। पुलिस ने आरोपी तुषार के खिलाफ केस दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया है और हिरासत में लेने के बाद नाका थाने में घंटों हंगामा चलता रहा है। हमारी फेसबुक आईडी हैक कर दी गई थी, व्हाट्सएप हैक कर लिया गया था और उसमें से हैक करके उसमें से फोटो जो मेरी थी सब वायरल कर दी गई। मुझे बदनाम करने की कोशिश की गई है और जो तुषार साहू नाम का लड़का है वो पार्टी से, बीजेपी पार्टी से निकाल दिया गया है। उसके बावजूद भी वो उसमें घुसता है और खुद को फर्जी अपना मीडिया का बताता है, पत्रकार बताता है। उसको कड़ी से कड़ी सजा मैं चाहती हूँ कि उसको कड़ी से कड़ी सजा, ऐसे हैकर को उसको छोड़ना नहीं चाहिए।